वेलकम फ्रेंड्स मेरे नई वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे कान से संबंधित है तो इस टॉपिक का नाम है ऑटोटॉक्सिटी कान हमारे जो हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन भी है वह हमें सुनने में मदद करता है लेकिन कोलॉजिकल वे में अगर हम देखें तो कुछ दवाइयाँ हमारे कान को टॉक्सिक तरीके से परेशान करती है और इसी चीज को इस टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है ह्यूमन ईयर बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एक आउटर ईयर एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर हमें एनाटॉमी ऑफ ईयर में पहले ही पता है कि ह्यूमन ईयर के अंदर वेरियस किस तरह से उसके फंक्शंस होता है और किस तरह से वो फंक्शन हर एक ऑर्गन और इमेडल का हर एक हिस्सा कैसे अपना योगदान देता है जिससे हमें सुनाई देता है तो इस फंक्शंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में लेकिन तब तक हम इस टॉपिक पे बात करते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी सो लेट्स मूव फर्दर तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले ऑटोटॉक्सिटी ऑटो का मतलब है ईयर और टॉक्सिसिटी का मतलब है पॉइजनिंग डेफ़िनेशन uh, पहले ऑटोटॉक्सिटी इज द डैमेज कॉज बाय द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स टू आइदर कॉकलियर और वेस्टिबुलर और बोथ पार्ट्स ऑफ इनर ईयर तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा ईयर आउटर मिडल और इनर ईयर में डिवाइडेड है जब भी इनर ईयर के कॉकलियर और वेस्टिबुलर ऑर्गन को किसी टॉक्सिक इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है या टॉक्सिसिटी हो जाती है उसी को ऑटोटॉक्सिसिटी इस टर्म से डिफाइन किया जाता है तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्यों होता है जब कोई ड्रग्स किसी भी तरह के ड्रग्स मतलब वो तो हम आगे देखने वाले हैं कि कौन से कौन से ड्रग्स है जो ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट करते हैं तो ये पहले कुछ ग्रुप्स है ड्रग्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं ड्रग्स के जो ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट करते हैं इसमें है पहला अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स दूसरा है लूप डायरिटिक्स तीसरा है एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और एंटी प्रोटोजोल और बीटा ब्लॉकर्स तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ ड्रग्स एग्जाम्पल कॉजिंग ऑटोटॉक्सिटी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के क्लास में जेंटामाइसिन एक ऐसा ड्रग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है एग्जाम्पल बोन इन्फेक्शन में मेनिनजाइटिस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक्सेट्रा लेकिन जब ये एक्मलेशन इन टिश्यू ऑफ जेंटामाइसिन कॉजिस ऑटोटॉक्सिटी जैसे ही जेंटामाइसिन का एक्मलेशन होता है टिश्यू के अंदर तो उससे ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट होती है सेकेंड रगे अमाइका अमाइकासिन अमाइकासिन टू ट्रीट अमाइकासिन का यूज है ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन लंग्स लिवर एक्सेट्रा लेकिन अगर इसका यूज़ बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट में किया जाए तो ये ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट कर सकता है सेकेंड है लूप डायरोटिक्स जिसके अंदर और एक ड्रग है लेसिक्स या फ्यूरोसोमाइड इसे यूज़ किया जाता है एक्स्ट्रा फ्लूड इन द बॉडी या फिर एडेमा कोज बाय कंडीशन सच एज हार्ट फेलियर और लीवर डिजीज में इसका यूज़ होता है लेकिन इट पोटेंशिएट ऑटोस्टॉक्सिटी बाय कॉजिंग डैमेज टू सेल जंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन स्ट्राया वैस्कुलरिस स्ट्राया वैस्कुलरिस के अंदर अगर ये पोटेंशिएट कर देता है सेल जंक्शंस के अंदर तो इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिटी होती है सेकेंड जो ड्रग है वो टोरसेमाइड इट इज़ लूप डायरेटिक ड्रग एंड यूज इन अ फ्लूड रिटेंशन ऑफ द बॉडी ये ड्रग फ्लूड रिटेंशन में मदद करता है और ये एक लूप डायरेटिक है जैसे कि हम क्लास डिस्कस ही कर रहे हैं ऑटोटॉक्सिटी क्यों होती है इस ड्रग्स की वजह से इट कॉज रिंगिंग इन द ईयर और मे कॉज डैमेज टू द ईयर टिश्यू कॉजिंग ऑटोटॉक्सिटी रिंगिंग द ईयर या फिर डैमेज टू द ईयर टिश्यूज इसकी वजह से ये ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट करता है नेक्स्ट जो क्लास है वो है एंटी न्यो ड्रग्स नाइट्रोजन मस्टर्ड इस क्लास के अंदर इट इज ट्रीट टू लिम्फो लिम्फोमास माइलोमास ल्यूकेमिया फंगोइट्स एंड न्यूरोब्लास्टोमा इन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन मस्टर्ड यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए लेकिन यही एंडोकोक्लियर डीसी पोटेंशियल डिक्रीज रैपिडली आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एनएम कॉजिंग ऑटोटॉक्सिटी इसकी वजह से ऑटोटॉक्सिटी क्रिए अनदर जो ड्रग है वो हैस प्लेटिनम डिज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमरस कैंसर्स ऑफ ह्यूमन सचेज ब्लैडर हेड नेक लंग और ओवेरियन इन सभी कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस् बिंग यूज़ होता है और ऑटोटॉक्सिटी क्रिएट करता है जो कि डैमेज द काकलिया कॉजिंग ऑटोटॉक्सिटी अबाउट फोर्टी टू एट्टी परसेंट इन अडल्ट एंड फिफ्टी परसेंट इन चिल्ड्रेन लेकिन सिस्प्लेटिन यूज़ करने की वजह से ये काकलीओ को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से फोर्टी टू एटी परसेंट अडल्ट एंड फिफ्टी परसेंट इन चिल्ड्रन को कोटोटॉक्सिटी हो जाती है नेक्स्ट जो क्लास है वो है एंटी प्रोटोजोअल क्लोरोक्विन इस क्लास का ड्रग है जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है ये कि प्रोटोजोहास को मारने के लिए काम आता है और ये प्रोटोजोअल फंगल इन्फेक्शंस प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस और मलेरिया और चागाज जैसे डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर ऑटोटॉक्सिटी साइड इफ़ेक्ट के तौर पे दिखाई देती है जो कि रिवर्सिबल है रिवर्सिबल भी है और नहीं भी है अगला जो क्लास है वो है बीटा ब्लॉकर्स इसके अंदर प्रोप्रानॉल ये हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में और रेगुलर हर्बन या एंजाइना के लिए यूज़ होता है लेकिन इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ऑटोटॉक्सिटी होती है अगला जो क्लास है वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इसके अंदर फिनीटॉइन सोडियम है जो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए काम आता है और रिड्यूसिंग द स्प्रेड एक्टिविटी इन द ब्रेन ऑफ सीजर्स लेकिन ड्यू टू तो इसके साइड इफेक्ट की वजह से फिनीटॉइन ऑटोटॉक्सिटी ऑकर करता है अगस्त 1977 में 23 पेशेंट्स ऑब्जर्व किए गए थे जो फिनीटॉइन ऑटोटॉक्सिटी के मरीज थे अब ट्रीटमेंट क्या है ऑटोटॉक्सिटी का एट प्रेजेंट देर आर नो ट्रीटमेंट दैट कैन रिवर्स द डैमेज एक बार जो डैमेज हो गया उसे रिवर्स करना अभी के लिए तो प्रेजेंट नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं लेकिन यूज ऑफ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड वेन एवर पॉसिबल ये एक इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है और अदर ऑप्शंस में हेयरिंग एड्स या फिर काक्लियर इम्प्लांट्स कर सकते हैं ये हेयरिंग एड्स और काकलियर इम्प्लान्ट्स के कुछ पिक्चर्स हैं